Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस प्रकार से सभी लोग एक निष्ठ बनिए, जहाँ आपकी मति लगी है, अगर वहाँ सच में आप आनंद में हैं, झूठा नहीं, वास्तविक में आप प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, तो वहाँ पे आप अपना पूरा पूरा 100% दीजिए। और अगर नहीं है तो सभी कारणों के कारण भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं, मेरे अलावा और कहीं आनंद है नहीं। तो इसलिए भागवतम का कहना ये है, भगवान का कहना ये है कि भगवान में अपना मन लगाइए, तन लगाइए, धन लगाइए, जन लगाइए, समय लगाइए और अपना जीवन लगाइए, जो आपके पास है, जो आप लगा सकते हैं लगाइए, यही सार्थकता है। बाकी तो सब श्रम है, वही केवल मेहनत हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान तीनों ताप का नाश करने वाला है, पक्का विश्वास करिए। हम आगे के श्लोक में चलते हैं, मुख्य श्लोक है, उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग दोहराइएगा मेरे साथ, भक्ति भक्ति ज्ञान विरागतो, ज्ञान विरागतो विवेको विवेको वर्धते वर्धते महान महान माया माया मोह निराश च मोह निराश च वैष्णवे वैष्णवे क्रियते क्रियते कथम कथम। भक्ति विज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश च वैष्णवे क्रियते कथम। क्या कह रहे इसमें, कह रहे कि इसका अनुवाद इस प्रकार से है, कह रहे कि इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए। क्या कह रहे भगवान, इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। कह रहे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले, किससे किससे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक के प्रति किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर उसका विस्तार करूँगा। क्या कह रहे हैं, भक्ति, सबसे पहला भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक के प्रति किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये कौन पूछ रहे हैं, ये सौनक जी एक ऋषि हैं जो सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते। सबसे पहले भक्ति, एक जीव है, क्या है, एक जीव है, माता स्त्री है, और स्त्री होने के कारण आप सब संसार में देखते हैं, कहीं भी सत्संग में देखेंगे कि स्त्रियां सबसे ज्यादा सत्संग में जाती है, स्त्रियों का संख्या डबल रहता है और प्रभु लोग का संख्या उसका आधा रहता है। कल प्रसाद के टाइम अनाउंस कर रहे थे, माता जी का 2 लाइन है और प्रभु जी का 1 लाइन, याद है आप लोगों को। तो स्त्रियां स्वभाव से भक्ति स्वरूपा है, ऐसे साधु संतों का कहना है, स्वभाव से स्त्रियां साधु स्वरूपा है, इसीलिए राधा रानी महाभाव हुई। अनेक भक्त संत हुए लेकिन राधा रानी जैसे नहीं हुए, महाभाव, बात बात में वो, बात बात में उनके मुख से कृष्ण के नाम का उच्चारण हर सांस सांस में, और आंखों में झरझर आंसू,
ये पलक भी हिलते नहीं, ये होंठ भी रुकते नहीं। खड़ी है तो खड़ी है, बैठी है तो बैठी है, जो अवस्था वही अवस्था। कृष्ण 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 ऐसी महाभाव है। ये संक्षेप में चल रहा है सब। तो स्त्रियां जो माताएं हैं, बहने हैं, वो क्या है? भक्ति स्वरूपा है। लेकिन कौन सी वाली, कौन सी वाली भक्ति स्वरूपा है? बहुत सारे संत है ना, बड़े ऊपर एक नकली पेड़ लेके चलते, जिसको मुंबई में ज्यादातर लोग बोलते झाड़ पे चढ़ाते। क्या चढ़ाते? झाड़ पे, चने के झाड़ पे। कौन सी स्त्रियां भक्ति स्वरूपा है जो निरंतर कृष्ण की नाम गुण रूप लीला भागवत गीता रामायण भक्तमाल महाभारत भक्तों का संग सत्संग नाम जप संकीर्तन धाम यात्रा भगवान का भोग सेवा दान तीरथ अनेक प्रकार के सुचिता पवित्रता में रत रहते हैं, वैसी स्त्रियां भक्ति स्वरूपा है। नहीं तो बाकी तो हाथी का स्नान है। कैसा है? पूतना और सुपर्णखा जैसे है। कैसे? पूतना कैसे आई थी? गोपी बन के आई थी, गोपी है कि नहीं? मैया यशोदा भी धोखा खा गई। अरे इतनी सुंदर गोपी ब्रज में पहले नहीं देखे, इतनी सुंदर गोपी, ये तो कोई देवलोक से आई है लगती है। कहां से आई है? देवलोक से आई है और विश्वास करके दे दिया बच्चे को। और पूतना कैसे आई थी? अपने स्तन पे विष लगा के आई थी। साधु संत महात्मा महापुरुष कहते हो पूतना अच्छी थी। क्या थी? कहते बहुत अच्छी थी। अब आप सब संकट में आ गए। पूतना अच्छी थी, विष लगा के आई थी। कहते अच्छी थी, क्यों? पूतना ऊपर विष लगाई थी, अंदर तो दूध भरा हुआ था। भगवान ने तो विष खाने के बाद दूध ही पिया पूतना का, इसलिए उसको माँ का गति प्रदान कर दिया, क्योंकि उसका दूध पी लिया ना बच्चे का। जो माँ का दूध पीता है तो माँ ही बोलता है ना, तो दूध पी लिया विष पीने के बाद, तो माँ का गति प्रदान कर दिया। लेकिन कहते हैं जो ऊपर से परम सुंदरी देवी जैसे दिखते और अंदर विष भरा हुआ है। क्या है? अंदर विष भरा हुआ है। ये पूतना और सुपर्णखा से भी खतरनाक है। और ऐसे बाजार में संसार में लोग घूम रहे बड़े बड़े, बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके कर्म कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, जरा देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी भागवत जी में श्लोक है, स्त्रियां इस कलयुग में शरीर बेच के दिखावे के लिए अपना जीवन यापन करेगी। क्या करेगी स्त्रियां? वो श्लोक पढ़ूंगा मैं, आप सबको पेज नंबर और रेफरेंस दूंगा। स्त्रियां दिखावे के लिए, संसार भोग के लिए शरीर बेच के, अपना तन बेच के वो अब क्या करेगी? भोग करेगी और नरक गामी बनेगी। तो ये पूतना से भी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से तो बड़े भले मानस दिख रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे विष भरा हुआ है इनके अंदर, बेविचार भरे हुए इनके अंदर। तो इस प्रकार से भक्ति कैसी है, कौन सी है? स्त्री स्वरूपा है। तो कौन सी स्त्री? मैंने आपको बताया, जो जिनका मन भगवान में समर्पित हो चुका है या वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कंठी माला झोली तिलक लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी वाली स्त्रियां जो भजन नहीं करते,
वो भक्ति स्वरूपा नहीं है, वो ठीक है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी देवी भगवान को भक्तों जैसे प्रिय नहीं, इसलिए उनको छोड़ के ब्रज में आ गए भगवान। लक्ष्मी जी को वैकुंठ में छोड़ के भगवान ब्रज में आ गए, क्योंकि वो बाल बच्चे संभालते फिरते हैं, उनकी सेवा में अनेक बार चूक करती है, और ये गोपियां भक्ति स्वरूपा, उनका ही चिंतन, उनका ही मनन, उनका ही स्मरण अपने पति तक को भूल जाती है, बच्चे को फेंक के चली जाती है। तो वैसी स्त्रियां, इसलिए शिक्षा ये है कि आप सब भक्ति स्वरूपा है, तो भक्ति का काम ये है कि वो भगवान की सेवा करे। क्या करे? भक्ति भगवान की क्या है? पटरानी है। यहाँ पे तुलसी के रूप में शालिग्राम के साथ विवाह होता है उनका। क्या होता है? तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। आप वृंदावन जाएंगे, बड़े उत्सव होते हैं कार्तिक महीने में। तो पत्नी का कर्तव्य क्या है? भगवान की, पति देव की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो इसीलिए भक्ति महारानी हमेशा वहाँ उपस्थित रहती है जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है, भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है, और इस प्रकार से वो खुद भी आनंदित होती रहती है और उस जीव को भी आनंदित करते रहती है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो बेटे हैं। कौन है? भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो जो कोई भी भक्ति करता है, भक्त है, वो ज्ञानी होता है। क्या होता है? परम ज्ञानी। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति दी है उन्होंने, जिसमें सबसे पहला भक्ति है, भक्ति का अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का, नारायण का, गोपाल जी का, भागवत जी का कीर्तन का श्रवण करना। कीर्तन मतलब कथा, कथा मतलब कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, सुनना। तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। तो जिनको भी भक्ति प्राप्त हुई है वो ज्ञानी और वैरागी हुए। क्या हुए? ज्ञानी और वैरागी हुए। राजा जनक का उदाहरण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? राजा जनक, समझने के लिए बड़े पड़े हैं युधिष्ठिर, परीक्षित, दशरथ, अनेक ये सब राजा लोग का नाम ले रहा हूँ। जनक जी का उदाहरण लेते हैं, जनक महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। क्या थे? परम शुद्ध भक्त। इसलिए भगवान राम उनका दामाद बनना स्वीकार किया और उनके घर में भक्ति स्वरूपा माता सीता आई। कहाँ आई? एक शुद्ध भक्त के घर में। नंद यशोदा वृंदावन में भगवान के शुद्ध भक्त, उनके घर में भगवान कृष्ण बन के आए। भक्तों के घर में भगवान प्रकट होते हैं। तो जहाँ ज्ञान और वैराग्य है वहाँ भक्ति बड़ी मजबूत होती है, भक्ति प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी मतलब गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, भक्तमाल, ये सब पढ़ना चाहिए। और अगर ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि गृहस्थ संसारी है, तो इन सब का जो सार है वो बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब का सार है, क्योंकि ये जो कथा चल रही है ये पुरानी हो गई। इसके बाद भगवान
पुराने मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये तो कथा कभी नित्य नवीन है, नूतन है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। अभी अभी 531 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा जी भागवत नहीं पढ़ रहे, रामायण गीता नहीं पढ़ रहे, तो क्या किया, इतना सा नाम लेके आ गए जो चारों तरफ देख रहे है ना, बोर्ड पे चारों तरफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान तो सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, तो इसीलिए भगवान ने इसको पूरा समेत के महामंत्र में सब कुछ डाल दिया और कहा इस कीर्तन से, इस महामंत्र के उच्चारण से आपको वो सब फल प्राप्त हो जाए। तो यही परम ज्ञान है और जब ज्ञान आ जाएंगे, भक्ति आपको प्राप्त होगी, तो स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है जीवन में, स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे ही ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, अंधकार मिटा, उजाला आ जाता है। ऐसे ही हम सब कुछ त्याग छोड़ देते हैं जिसके लिए मेहनत कर रहे थे और भगवान भजन में लग जाते हैं। भाई ये साथ नहीं जाएगा, ये नरक ले जाएगा, छोड़ो इसको, अब भजन करो। हमारे अनेक अनेक संतों ने करके भगवान को प्राप्त किया तो भजन में लग जाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों पुत्र हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान और वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ होना चाहिए। जब भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची तो वो जवान हो गई, क्या हो गई, नवयुवती हो गई, लेकिन उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, वो बूढ़े हो गए। माँ नवयुवती, बेटा जवान, क्यों, क्योंकि भक्ति नहीं था। तो शिक्षा है कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति होना चाहिए, कंडीशन है, भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि कैसे होती है, जब आप निरंतर भक्ति देवी को हृदय में आश्रय करके उनके चरणों में निवेदन करके हे भक्ति महारानी मेरे ऊपर कृपा करिए और ज्ञान वैराग्य अर्जित करेंगे, ज्ञान भागवत पढ़ेंगे रोज, वैराग्य उत्पन्न होगा तो क्या होगा, हमारे विवेक में वृद्धि होगा। विवेक मतलब, विवेक वो होता है जो कई चीजों को विचार करने के बाद फिल्टर करके आता है, कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। जी बुद्धिमान हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, विवेकी नहीं हो सकते, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत। तो कह रहे किस प्रकार से विवेकी बनेंगे, इसका वृद्धि कैसे होगा और वैष्णव लोग कैसे माया से पार पाते हैं। तो भक्ति महारानी को निवेदन करना पड़ेगा, क्या निवेदन करना पड़ेगा, हे भक्ति महारानी आप भगवान की प्रिया जी हैं, आप भगवान की सेविका है, परम सेवा में रहते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। एक आरती गाती है माता जी लोग, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। तो उनसे निवेदन करना चाहिए कि मुझे राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए, यही अभिलाषा है। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी यही है कि हे राधे, हे कृष्ण, हे रमन करने वाले राम, आप हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए। इस प्रकार से जब आप निवेदन करेंगे तो आपके अंदर भक्ति महारानी कृपा करेगी, ज्ञान वृद्धि होगा
पैदा होगा, विवेक आएगा। विवेक आने से माया आपका दूर होगा, अंधकार दूर होगा। और इसी प्रकार से वैष्णव लोग इनसे अपना इस संसार के मोह से, माया से पीछा छुड़ा लेते हैं। क्योंकि वैष्णवों का जीवन कैसा होता है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, कल से बारह महाजन, अनेक अनेक साधु संतों का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे शिव जी का उदाहरण लेते हैं, बोलिए शंकर भगवान की, शिव जी का नाम लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में। वैष्णवा वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव है शिव जी। क्या करते हैं देखिए, क्या करते हैं, सब कुछ दुनिया को देते हैं जो चाहिए। इनका एक नाम है आशुतोष, शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जो परम संतोषी है, दुनिया को सब देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। कैलाश मान सरोवर में, जो कैलाश पर्वत है उस पे बर्फ के ऊपर समाधि में भगवान के नाम का कीर्तन कथा और स्मरण करते रहते हैं। आप में से कोई कैलाश गए हैं, मानसरोवर गए, कोई गए क्या मानसरोवर का दर्शन किया, कैलाश उस पर्वत का? टीवी में तो कई बार दिखाते रहते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान कृपा से, आप सबके कृपा से, उस पर्वत का परिक्रमा करने का जहाँ भगवान विराजते हैं, और कैलाश मानसरोवर में स्नान करने का, पूजा पाठ और जप तप करने का। वहाँ शिव जी का दर्शन होता है साक्षात बर्फ के अंदर। बर्फ में शिव जी का आकृति के रूप में माता पार्वती, गणपति और नंदी का तो 15 किलोमीटर दूर से दर्शन होता है। कार्तिकेय जी का दर्शन है, और बताओ आपको चारों तरफ जितने पर्वत हैं सब में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, उनका वाहन उल्लू, अनेक अनेक सेवकों का दर्शन होता है। हनुमान जी का दर्शन है, सीताराम को कंधे में बिठा के दर्शन होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, प्यास नहीं लगता है, थकान नहीं होती है। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई है, ऑक्सीजन नहीं होता है, 15-15 फुट बर्फ जमा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। ऐसे में शिव जी बर्फ के ऊपर पूरे परिवार के साथ बैठ के भजन करते, क्या करते, निरंतर भगवान का कथा सुनते, भागवतम, चार कुमारों से, नारद जी से, सप्त ऋषियों से, अनेक अनेक पुण्यात्माओं से, क्या सुनते, भागवत कथा, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस कीर्तन का प्रताप तो देखिए, फल तो देखिए, महिमा तो सुनिए। शिव जी का जो गला है उसमें क्या है, उसका हार क्या पहनते हैं, हार क्या है, हार कौन सा है, हार देखा कैसा सुंदर हार है। और बेटे का जो सवारी है वो क्या है, चूहा और सांप का दोस्ती रहता है क्या, रहता है क्या, एक मिनट में काम खत्म। भक्ति का फल ऐसा है, वैष्णव का गुण ऐसा है कि वहां दोनों साथ में रहते हैं, और कभी कभी तो उनके गले से निकल के वो चूहे के गले में बन जाता है जाके, बोला मुझे भी घुमाओ, तेरे साथ घूमूंगा। और शिव जी की पत्नी का सवारी क्या है, पार्वती जी का, शेर की सवारी में रहते माता पार्वती, वैष्णव देवी है, परम वैष्णवी, बहुत लोग देवी के भक्त हैं, 9 दिन उपवास व्रत करते, 9 दिन कुछ फलाहार जागरण करते एकदम रात भर, 9 दिन हो गया, 10वें दिन शुरू हो जाते सब काम, मांस खाना, शराब पीना, 9 दिन तो गुण में रहते वैष्णवी जैसे, बाद में सब शुरू हो जाते, परम वैष्णवी है।
तो उनका बाहर शेर है, शेर, शेर की सवारी, और पति देव का जो सवारी है वो क्या है, नंदी बैल है। शेर और बैल का जोड़ी जमता है क्या? वैष्णव है वो लोग, मिल के रहते हैं। बैल नंदी बोलता, आ भाई तेरे को घुमाता हूँ। बैल पे बैठ के शेर सवारी करता है, घूमता है वहाँ। भक्ति का फल है, वैष्णव होने की महिमा है ये, भजन करने का महिमा है, भगवान नाम जपने का महिमा है, भगवान शरण, भगवान सेवा का महिमा है ये। उनका एक और बेटा है, उसका नाम है कार्तिकेय, है ना? क्या नाम है? कार्तिकेय। उसका सवारी क्या है? मोर है, मोर। सांप और मोर का जनता है क्या? एक मिनट में उठा के सांप को तो ऐसा हालत बनाता है ना, सोच नहीं सकते, भागता है किधर बिल में घुसू। वहां साथ में दोनों डांस करते हैं, इधर से नाग देवता का डांस चलता है, उधर से मोर देवता का डांस चलता है, और पूरा परिवार आनंद करता है। ये भक्ति का फल है, वैष्णव होने की महिमा है, भगवान भक्त शरणागत होने का महिमा है, कि हम देख सकते हैं विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे को जो मार देते खा जाते हैं, आपस में प्रेम से मिलके रहते हैं। हम सब आपस में बट गए हैं, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई यूपी वाला है, कोई बंगाल वाला है, कोई मद्रास वाला है, कोई इधर वाला है, कोई उधर वाला है, और चालाक लोग हम लोगों को खून चूस रहे, चूस रहे। लेकिन जो वैष्णव है वो सबको अपना मानते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं सबको आनंदित करने के लिए आया हूँ, सबको हंसाने के लिए आया हूँ, और ये आयोजन भी सबके आनंद और कल्याण के लिए है।